शेरा जरा नी जी शेरा 15 दिन बाद लभा जे क्यों जी इन्हे मोटरसाइकिल नु किक मारी उबर कगुइर नाल जा रही और चार पांच भरा एडे एडे ने माशाल्लाह रात नु 8 बजे रोटी खांदे ने 8:30 बजे टीवी वेखदे ने 9 बजे नाल देनु कहंदे साडी कुंडी ला दियो असीं सोणा क्या वा ये सखावा साहब संगल लेगम बस से चढ़ गए लोगों नु कहंदे मेरी मदद करो मैं मज लेनी इमरान भाई हुस्न दो तरह के होते हैं उसको शायरी में मैं बयान करना चाहूँगा कि एक हुस्न लाजवाब होता है एक हुस्न हया भी होता है वाह 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 हुस्न तो हुस्न है और हुस्न सबको भाता है मगर जिस हुस्न को देखकर झुक जाती हैं नजरें अदब से निर्मल जी आपका चेहरा उन सब में पहले आता है निर्मल जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम दुनिया न्यूज़ को ऑनर बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया आप आई हम हमारी पूरी टीम पूरी की पूरी ऑडियंस हमारे यहाँ बहुत सी ऑडियंस आती है इतनी एनर्जी हमने ऑडियंस में कभी नहीं देखी इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है आप आई हैं आपका नसीब और आपकी पॉजिटिविटी है आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर हैविंग मी जी आई एम ऑनर्ड मैं कहती हूँ कि मेरी शुरुआत ही मज़ाकरात से हुई अच्छा और अब जब मैंने आई एम नाउ आई फाइनली चोजन टू स्टार्ट इंटरव्यूज अगेन मैं अब 6 महीने बाद इतनी शॉर्ट लिस्ट करते 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 हम एंड अप हमने फिर से मज़ाकरात भी किया आई थिंक थैंक्स टू हसीब जो प्रोड्यूसर है उन्होंने हमजा को कहा एंड थैंक्स टू योर फैंस जिन्होंने आपकी बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कहा ना आप नसीब वाली हैं क्योंकि इतने बड़े गैप के बाद भी अगर आप पहले तो अना में जो परफॉर्मेंस थी इनकी उसके लिए तालियां जो आज तक बहुत शुक्रिया आज तक लोगों के दिल में बसी हुई है आपने काम से गैप ले लिया जब मैंने आपका वो ड्रामा देखा था तो मेरे भी दिल में ये ख्वाहिश हुई थी कि जिंदगी में कभी मौका मिलेगा मुझे कि मैं आपको इमरान भाई मैं आपको क्या बताऊं मैंने इनका अना देखने के लिए ना अपनी अना को इतना मजरूह किया मैं बता नहीं सकता और यार मेरे घर टीवी नहीं सी कभी मैं कहे दे घर देखता था कभी कहे दे घर देखना कभी को देखने देता सी कभी नहीं सी देखने अच्छा ये अना दे दे कोई ताल्लुक नहीं तुसी गरीब अना से जुड़ी हुई कोई याद सबसे ज्यादा क्या मिस करती हैं उस वक्त में क्योंकि वो फेम का वो वक्त था मुझे याद है मेरा भी इस इंडस्ट्री से ताल्लुक है मैं भी एक छोटा मोटा एक्टर हूँ बहुत बड़े एक्टर हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं बहुत शुक्रिया मेरी नजर में डंका बज रहा था आपके नाम का क्या फीलिंग थी बिल्कुल आई थिंक हम 2018 की बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल मैंने नई नई एक्टिंग शुरू की थी तब और तब मैं पढ़ रही थी अपने स्कूल में और मुझे एक कॉल आई कि अच्छा। एक ड्रामा है आप हम ऑफर करते हैं आपको आप करना चाहेंगी तो मैंने उसका कैरेक्टर पढ़ा इज़ा का अच्छा और मेरी अम्मी मेरे साथ वो स्क्रिप्ट पढ़ती थी अरे। उन्होंने मुझे पढ़ के बताया कि एक लड़की है वो ऐसी मिजाज की है तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल तुम्हारी तरह की है तो मैंने उससे इतना रिलेट किया उसके कैरेक्टर से कि मैंने कहा ये तो मैं करूँगी हालाँकि मेरा प्लान नहीं था मैंने फिल्म के बाद सोचा था कि मैं नहीं करूँगी ड्रामा और मैं अपनी पढ़ाई करने जाऊँगी लेकिन वो इतना अच्छा कैरेक्टर निकला कि आई एंडेड अप डूइंग इट क्या बात और वो आज तक मेरे साथ है मैं आज भी देखती हूँ मेरे फैंस मुझे इज़ा के नाम से ही जानते हैं पुकारते हैं वो इज़ा कहते हैं हमें बहुत इनबॉक्स आया आपके बड़ी स्वीट मेमोरी है बहुत हमारे मज़ाकरात के ऑफिशियल पेज पे आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी ये सिर्फ हमारी नहीं थी आपके फैंस की भी है और अगर आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहती हैं जो 2018 से लेके आज तक आपसे वही मोहब्बत करते हैं तो सामने कैमरा एक मैसेज देना चाहती हैं पहले तो मैं कहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का मेरे DM भरे होते हैं दुआओं से मेरी फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूँ बट कभी कभार तब बिजी होता है स्केड्यूल के नहीं पढ़ सकते बट थैंक यू हम जो भी हैं आप सबकी वजह से हैं अरे क्या बात क्या बात